सो बेसिकली हमने 2013 में शुरू किया था चेन टू बॉलीवुड. सो इट्स लाइक एक नेटवर्क है जो कि बॉलीवुड से कनेक्ट होता है. ई स्टार्टेड ऑफ कि हम लोग पहले आर्टिस्ट को मैनेज करते जैसे एक्टर्स मॉडल्स, बट समवेयर हम लोग म्यूजिक से इतना कनेक्ट हो गए 2 साल पहले कि हमको लगा कि हम सिंगर्स को क्यों नहीं मैनेज करते. तो हमने 2019 के एंड में जो कि खत्म हुआ था 2020 में, हमने एक सिंगिंग रियलिटी शो शुरू किया. वी टाइड अप दैट टाइम विद शेमारू फॉर शेमारू भक्ति. बट उस टाइम पे हमको लगा कि हम सिंगर्स को लेके आना चाहेंगे. फर्स्ट टाइम हमने एक ऑनलाइन सिंगिंग रियलिटी शो रखा. उस टाइम हमको आइडिया नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हो जाएगा. वी स्टार्टेड वेरी वेरी स्मॉल. हमने कहा चलो हमारे पास सिंगर्स हैं, कुछ करते हैं सिंगर्स के साथ में. पर ये जर्नी इतनी बड़ी हो गई एंड वी इन द फर्स्ट सीजन इट्सेल्फ हमने 50 कॉम्पोजिशंस रिलीज किए इन 2 डेज एंड द कॉम्पोजिशंस वर संग इन जस्ट 5 डेज. सो इट वॉज लाइक इट वॉज सो मच इंस्पिरेशन कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, सिंगर्स को देश भर से खोज खोज के लेकर आ सकते हैं. उनका सपना, उनका ओरिजिनल एल्बम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना, ये हम उनका सपना पूरा कर सकते हैं. तो वो हमने किया. अब इस साल जब कोविड था तो एक सीजन नहीं कर पाए, बट इस साल वी थॉट कि अब और क्या करें. एंड वी वॉन्टेड टू बिकम बिगर बिकॉज सीजन 1 में कुछ ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए. था सबका सपना, किया थोड़ा थोड़ा पूरा, बट वी वॉन्टेड टू बिकम बिगर क्योंकि सिंगर का सपना है समवेयर टू गो टू बॉलीवुड एंड गो टू बॉलीवुड. तो वी वर लाइक कि चलो क्या कर सकते हैं. एंड फॉर्चुनेटली मैं विजय जी से मिली. एंड जब मैं विजय जी से कुछ महीने पहले मिली तो ही ऑल्सो लाइक द एंटायर कंसेप्ट कि अच्छा ये आप ऐसे टैलेंट को लेकर, और ही जस्ट लव द कंसेप्ट. इज लेट्स एक्सप्लोर और क्या कर सकते हैं. सो ही सेड कि सोनिया यू लेट्स डू इट टुगेदर एंड मैं सिंगर को हॉलीवुड प्रोजेक्ट में काम दूंगा. धीरे धीरे करके हादी ऑल्सो केम एंड ही जॉइंड अस. ओके ही सेड ओके आई विल गिव सिंगर अपॉर्चुनिटी इन बॉलीवुड इन माई फिल्म. सो वी वर लाइक कि अरे अब हम सिंगर को स्टेज पे लाएंगे एंड उनके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है टू गेट टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर जस्ट ऑन द सिंगिंग रियलिटी शो. मतलब वो एक फिल्म में गा सकते हैं एज अ वॉल एंड हॉलीवुड में भी गा सकते हैं. हार्डली सिंगर्स हमारे हॉलीवुड में गाते हैं. इट्स अ लाइक बिग थिंग बिकॉज विजय इज अ अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर एंड हादी जी इज ऑल्सो डूइंग सच फैंटास्टिक फिल्म. सो सिंगर्स के लिए बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड we are very passionate about our project and our just dream is to make this platform bigger, create bigger opportunities for singers who are coming across. And this time humne kai cheeze add on ki. Singers jo aate hain they are not groomed, they are not, you know, they don't know what is playback singing. To humne unke liye ek boot camp program organize kiya. Us boot camp program mein singers ko opportunity mili, jaise ki unko training mili from the industry expert ki उन्हें कपड़े कैसे पहनने, स्टेज परफॉर्मेंस कैसे करना है, टोटल हाउ डू यू बिकम दैट यू नो शोबर्स, यू नो यू हैव टू लुक लाइक अ स्टार. तो उनको एक बड़े पैमाने पे ले जाने के लिए हमने सब सिंगर्स को पूरा ग्रूमिंग प्रोग्राम दिया. ओके हाउ टू एंटर बॉलीवुड. जयंत ही गिव वंडरफुल सेशंस ऑन ब्रांडिंग देमसेल्फ एज अ सिंगर एंड टू मेक अ फुल फ्लेज्ड बिग करियर इन सिंगिंग. हादी जी ने गाइड किया. तो वी हैव बीन लाइक वेरी वेरी लकी दैट वी हैव सच वंडरफुल पार्टनर्स विद अस एंड आई थैंक ईच वन ऑफ देम. यू नो थैंक यू विजय, थैंक यू जयन, थैंक यू हादी एंड थैंक यू जॉली जी फॉर बीइंग ही इज आवर जज. सो मोर यू कैन नो फ्रॉम विजय. या सो यू हैव वेरी गुड क्वेश्चन. सी है तो हम भी एक रियलिटी शो, तो ये लाइन के अंदर तो हम सेम हैं. कुछ लेवल पे हमने जब किया था लास्ट सीजन, वी वर द फर्स्ट वन टू ऑनलाइन सारे उनके, बिकॉज लोगों को मुंबई ऐसे बार बार बुलाओगे, लाइनों में खड़ा करोगे लंबी लंबी, इट्स नॉट ईजी. लोग कितना दे स्ट्रगल टू गेट इन टू दैट, यू नो, एक इंडियन आइडल के किसी उसमें जाने के लिए पीपल स्ट्रगल. इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, बट हमको कुछ अलग करना था. तो हमने कहा चलो ऑनलाइन शुरू करते हैं. ऑनलाइन आज इंडिया में इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, सो मेनी फैसिलिटीज आर देयर इन इंडिया, सो वाई नॉट ऑनलाइन. एंड वी हैव 43,000 रजिस्ट्रेशन दिस ईयर. 43,000 सिंगर्स हैव रजिस्टर्ड, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड. ओके सो this was one thing, it's like majorly online. And the finale, the final top singers 75 this time came in the studio round, which was yesterday. And baki cheeze humne sare rounds online kiye. The bigger difference is ki koi sab platform bade hain, hum log thode chote hain because we don't have that big sponsor partners. Maybe we are not having that, we don't have that TRP thing. To hum log jo genuinely hain,
हम वही अपने आप को वैसा ही दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं और हम लोग बिल्कुल पैशनेटली बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं जो कि टैलेंट डिजर्व करते हैं. सो वी आर वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जस्ट वर्किंग वेरी ट्रांसपेरेंटली. हम लोग इस बार जैसे सिंगर्स को ओरिजिनल एल्बम गाने का मौका दे रहे हैं. टुडे एंड टुमारो देर आर 43 ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस डन बाय 4 वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड कंपोजर्स हु आर डूइंग इट फॉर अस एंड द सिंगर्स आर गोइंग टू सिंग टुडे एंड टुमारो. सो लाइक 43 न्यू एल्बम्स न्यू सॉन्ग्स रिलीज्ड इन 2 डेज. विच प्लेटफॉर्म डज इट I don't know, but we are trying that कि singers यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है desktop पे जाएंगे बाकी तो घर चले जाएंगे रो रो के जाते हैं singers, right? हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो सब लोगों को कुछ मौका मिले अपना talent दिखाने का अपना आगे आने का. कई लोग का सपना है Bollywood में जाने का. कई जो women हमारे पास है we also give opportunity to middle age women जो ज़्यादातर कोई platform नहीं देता. So we have women who are age 57 who are singing original song tomorrow. Nobody does that. तो हम लोगों को दिल से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं कि अच्छा आपका सिंगिंग का सपना है. यस वी कैन फुलफिल इट. हाँ आप में वो आवाज़ होनी चाहिए. बाकी हम लोग आपको ग्रूम करेंगे ना हम आपको तैयार करेंगे. दैट्स अ होल आइडिया. ओके सो वी हैव गॉट सिंगर्स फ्रॉम टिल 75 ऑल्सो वी गॉट एंट्रीज. ओके सो एंड वी हैव टेकन सिंगर्स एंड यू आर सिंगिंग ओरिजिनल एल्बम्स. उन लोगों का ऐसा नहीं अपना करियर बनाना पर कहीं ना कहीं उनका सिंगिंग का एक सपना है जो हम हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पूरा कर रहे हैं. कुछ लोग शायद प्लेबैक में जाएंगे तो हमारे हॉलीवुड के बॉलीवुड के पार्टनर्स उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं. कुछ लोग इवेंट्स करेंगे शोज करेंगे. तो हर तरीके से जो सिंगर जिस ड्रीम को लेकर आया है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सानिया मैम आज ग्रैंड फिनाले है जर्नी कैसे शुरू हुई और यहाँ तक आज पहुँच गए सफर आज थोड़ा उसके बारे में हालांकि आपने काफ़ी कुछ बता दिया आप कोई भी बड़ी चीज़ लेते हो तो इतना आसान नहीं होता. देर आर सर्टन चैलेंजेस यू फेस बट आई थिंक सो इट वॉज फन ऑल्सो फॉर अस दैट हार्ड वर्क एंड ऑल. आई वी पीछे मुड़ के हम लोग सब देखेंगे तो इट वॉज मेहनत के साथ में इट वॉज फन ऑल्सो फॉर अस बिकॉज हम लोग ये जो चीज़ कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं. हम लोग करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं. इट्स नॉट समथिंग कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं. सो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी. इस साल का जो ये सीज़न शुरू हुआ था करीबन हमने आफ्टर द कोविड हमने करीबन अप्रैल मई में शुरू किया था. ऑनलाइन एंट्रीज हमने डिजिटल मार्केटिंग करी और डिफरेंट अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमने सारी एंट्रीज की. मुंबई में वी हैड सम लाइव ऑडिशंस ऑल्सो और जिन एंट्रीज को हमने लिया वी हैड 43,000 एंट्रीज को उनमें से सेलेक्ट करना वॉज अ चैलेंज फॉर अस. एंड वी यूज लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट द सिलेक्शन ऑफ द सिंगर्स. एट द स्टार्टिंग ऑफ 43,000 डेटा को सेलेक्ट कैसे करोगे आप देखोगे कैसे उन गानों को. तो हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया. काफ़ी अच्छी टीम रही उन सबके मिलके. फिर हमने ऑनलाइन चैलेंजेस किए उसमें लोगों को अलग अलग तरीके की चीज़ें दी जैसे सिंगिंग कैसे पता चलेगा सिंगर अच्छा है. तो उनको इंटरेस्टिंग चीज़ें दी अलग अलग टास्क दिए करने के लिए. उनमें उनको मज़ा भी आया. वी कैप्ट अ गुड एंगेजमेंट और वो करते करते हम लोग हमने सॉर्ट ऑफ उनके कुछ इंटरव्यूज लिए ऑनलाइन लिए. फिर कल वो स्टूडियो राउंड में सब लोग आए एंड आफ्टर दैट ऑल दी जजेस वर देयर एंड वी सॉर्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड टॉप 18 हु आर परफॉर्मिंग टुडे एंड आउट ऑफ दैट 5 टॉप फाइनलिस्ट आर गोइंग टू गेट एन एल्बम फ्रॉम अस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट they are going to win the opportunity to sing in Bollywood film by Hadi Ali Abrar and a project of Hollywood by Vijay Kumar Majumdar. So Jolly sir aapka kaisa raha ye safar aapka to bahut purana Bollywood se taluk hai kaise perform kar rahe hain bachche aur kya hum kehna chahenge show ko lekar filhal to main sununga mujhe dawa hai ki acche hi honge. इतने जब मेहनत करके इन्होंने आया है तो जब वो लोग गाएंगे सुनेंगे तो ज़रूर मुझे भी बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं सुनने के लिए. बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी सिंगिंग फील्ड में. तब आपका सिंगिंग और आपका सिंगिंग में कुछ डिफरेंट देख रहे हैं या कुछ शेयर करना चाहेंगे? सिंगिंग में कोई फ़र्क नहीं है. सिंगिंग तो सिंगिंग ही होता है मगर आजकल का मार्केटिंग अलग हो गया जो हमारे टाइम पे नहीं था. तो आजकल
बच्चे बड़े अच्छे गा रहे हैं मुझे पता है, और मैं जहाँ भी सुनता हूँ, और मैं सोनिया जी को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो उन्होंने ऐसे ओरिजिनल फील्ड किया, उन्होंने ओरिजिनल गाने गाने के लिए, एंड विजय जी एंड आदि एंड एवरीबॉडी, जो सारे लोगों ने इनके साथ में जो है ग्रूमिंग उन्होंने किया है, ऑल माई बेस्ट विशेस। विजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि हमारा शो स्मोक का साउंड होता है। आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि हमारा शो किसी दूसरे सिंगिंग रियलिटी शो से डिफरेंट कैसे है। तो हमें एक चीज़ नोट करना है कि हमारे लाइफ में चेंज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और चेंज तभी आता है जब भी आप कुछ अलग सा चीज़ उसमें ऐड करते हो। अगर कुछ ऐड नहीं करोगे तो चेंज दिखाई नहीं देगा, वो चेंज होगा नहीं। हम सेम चीज़ को स्टेटस को करके चल सकते ज़िंदगी में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन चेंज से हर कोई डरता है। आप घर चेंज करोगे डरते हो, आप कपड़े चेंज करोगे, हेयर स्टाइल, किसी भी चीज़ से एज अ ह्यूमन वी आर अफ्रेड ऑफ चेंज। लेकिन मैंने सोने को कहा था कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग जिसमें आप ओरिजिनल सॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हो, वो वैसी एक चेंज है, दैट्स द फर्स्ट चेंज। लेकिन उस चेंज को एम्पलीफाई करना है, उस चेंज को सब पब्लिक के सामने लाना है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए, जैसे दौरी साहब ने कहा, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। आपको उसको पब्लिक के सामने एक चेंज की तरह लाना है, और अकेला वो चेंज काम नहीं करेगा। आपको मैं अमेरिकन स्टाइल का मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ जो आपको चेंज बड़ा करके दिखाएगा। बिकॉज अगर आप सबसे बड़ा शो जो इंडिया में आज आप समझते हो इंडियन आइडल है, वो एक्चुअली अमेरिकन आइडल शो है। वो तो एक फ्रेंचाइज है जो पूरे दुनिया में जाता है। तो ओरिजिनल पेटेंट जो है, जो कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया मार्केटिंग और ब्रांडिंग का, वो अमेरिका से आया हुआ है। आप लोग तो सिर्फ उसका एक फ्रेंचाइज बना के उसको ढांचे को यूज़ करते हो, आप उसकी प्रिंट को भी नहीं चेंज कर सकते हो। बट C2B वर्सेस ओरिजिनल कंटेंट यहाँ से क्रिएट कर रहा, तो पहली बार वो एक फ्रेंचाइज बना सकता है, वो एक नया ब्रांड क्रिएट करेगा, जहाँ पर यहाँ से दूसरी कंट्रीज हमको बोलेंगे C2B वर्सेस एशिया, C2B वर्सेस अफ्रीका, C2B वर्सेस ईस्ट। सो दैट इज़ द आइडिया। अगर उसको करना है तो आपको एक बड़ा कदम लगाना पड़ेगा, और वही बड़ा कदम मैं लेके आया था। We deployed a C2B कहाँ पे दिखेगा, और क्या किसी बड़े प्लेटफॉर्म के आपको आपने अप्रोच किया था कि मुझे भी थोड़ा समय तो दिखाने के लिए क्या है? इनफैक्ट आप ये जो सवाल कर रहे हैं, C2B जो पहला सीजन था वो MX प्लेयर पे आ चुका है, सो सेकेंड भी MX प्लेयर पे ही आएगा, और आई थिंक वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा एक चैनल है जहाँ पर इन बच्चों को, इन्होंने जिन्होंने गाया है उनको टैलेंट पेश करने का मौका मिलेगा। प्लस सोनिया, विजय, जॉली जी, जयंत, मैं, हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि इनको जितना हौसला अफजाई कर सकें वो करें। और आई थिंक MX प्लेयर हमारा पार्टनर होने के बावजूद उन्होंने हमको काफ़ी हेल्प किया है, और एक डेफिनेट टाइम दिया हुआ है कि ये सबकी नज़रों के सामने आए। सो इसमें मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि इसमें इंडियन टैलेंट जो अभी हिंदी सॉन्ग्स का है, तो इसमें हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो अगर इंडियन आइडल में कम्पीट करना है तो उनको लाइन में खड़ा रहना है, उधर लोकेशंस पे जाना है। यहाँ का इसका बेनिफिट ऐसा है कि एनीबडी हु इज़ देयर एंड हु लव सिंगिंग कैन पार्टिसिपेट। पहले जो राउंड्स है इसमें वो ऑनलाइन कम्पीट कर सकता है, सीख सकता है। इन्होंने जो काफ़ी चैलेंजेस जैसे ब्यूटी पेजेंट में होता है, वैसे ब्यूटीफुल आइज़ का होता है, स्किन का होता है, वैसे ही छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए जिसमें फिल्ट्रेशन हुआ, उनका ट्रेनिंग भी हुआ। तो वैसे लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड से उसमें पार्टिसिपेट किया, और फिर उसमें से जो फिल्टर होके जो शॉर्टलिस्ट हुए वो लोगों को इधर आना था। तो दोनों, इट वॉज अ कॉम्बिनेशन, इट इज़ नॉट लाइक ओनली ऑफलाइन। सो ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन था, और ये जो पूरा एक्सपोजर था टेक्नोलॉजी यूज़ करके था, तो दोनों का बेनिफिट इसमें लिया गया। सो मेरे हिसाब से कुछ 162 प्लस कंट्रीज़ के लोगों ने देखा, पार्टिसिपेट करने को ट्राई किया, दे एनरोल्ड इनटू इट, दे अपलोडेड देयर वीडियोस, दे गॉट इट फिल्टर्ड। सो मेरा मानना है कि ये जो पार्टिसिपेशन है वो नॉर्मली दूसरे सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में नहीं होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद जो आए उनको यहाँ पे ग्रूमिंग किया गया, जैसा बूट कैम्प था,
तो काफ़ी दूसरे सिंगिंग कॉम्पिटिशन में शायद उनको सिर्फ सिंगिंग के बारे में सिखाया जाता होगा, बट इसमें दूसरे सब जो भी एस्पेक्ट्स है उसके बारे में भी सिखाया गया, उनको बताया गया। और इन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं वापस रिइटरेट करना चाहूँगा कि जो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह का जो एक एंट्री होता है, अगर उधर एक चांस मिलता है और वो पोर्टफोलियो बनाते हैं यहाँ पे, जैसे जो ओरिजिनल सॉन्ग्स में रिकॉर्डिंग होती है, ओरिजिनल सॉन्ग सिंगिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट देन कवर सॉन्ग सिंगिंग। तो ये जो कवर इसमें किया गया है कि ओरिजिनल सॉन्ग का वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, और इनका अगर एक एल्बम बनता है तो काफ़ी लोगों का तो वो ड्रीम था कि हमारा खुद का एक एल्बम हो। इतने बड़े सेटअप में, इतने बड़े प्रोफेशनल सेटअप में वो रिकॉर्ड किया गया है, स्टूडियो में गए हैं, वो जो पूरा जर्नी था वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। सो नाउ व्हेन दे गो आउटसाइड एनीवेयर दे विल हैव दैट कॉन्फिडेंस टू एक्चुअली प्रेजेंट देमसेल्फ। सो ये जो चीज़, ये डिफरेंस है दूसरे कॉम्पिटिशन्स में और सी टू बी वॉइस केस में, तो ये मैं मानता हूँ। और उनको ब्रांडिंग के बारे में बताया है कि ब्रांडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें और लोगों को दिखाए, उनको सोशल मीडिया कैसे यूज़ किया जाएगा, ये जो वीडियो लिए जाएंगे उनके एडिटेड हॉलीवुड स्टाइल में एडिट किया जाएगा, बॉलीवुड से जो कैमरामैन है और उनको जो डायरेक्ट किया गया है, तो उसके जो क्लिप्स है वो उनका पोर्टफोलियो बनेगा, वो लोग वो भेज सकते हैं लोगों को, खुद को प्रेजेंट करने के लिए, बेचने के लिए, बिजनेस अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये डिफरेंस है ये पर्टिकुलर सेशन में, और ये काफ़ी बड़े बड़े पैमाने पर लोग देख रहे हैं, वर्ल्ड ओवर देख रहे हैं, ये ऑनलाइन भी जाएगा। सो आई थिंक द टैलेंट इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ टैलेंट जो अदरवाइज बड़े कॉम्पिटिशन में नहीं पार्ट ले सकते डायरेक्टली, इसमें पार्ट ले सकता है। और हर एक छोटे से छोटे गांव का भी आदमी आज सोच सकता है कि मैं ये रियलिटी शो में, ये कॉम्पिटिशन में पार्ट लूंगा, अगर मेरे में टैलेंट होगा, वर्ल्ड देखेगा तो मैं फेमस बनूंगा। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता है दूसरा किधर भी अभी है, और सी टू बी ने ये फर्स्ट लेके आए हैं, तो इसका डेफिनेटली लोगों को एडवांटेज होगा। आदि सर, जितना चैलेंज रहा आपको एज ए डायरेक्टर, बिकॉज कि प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करना और नए लोगों के साथ काम करना, दोनों में डिफरेंट, और कितना चैलेंज? वो चैलेंज तो था ही, क्योंकि बहुत सारे सिंगर्स जो हैं जो बहुत रॉ हैं, और शुरुआत कहीं ना कहीं हमने भी वैसे ही की थी, तो चैलेंज को अब इनको फेस करना है किस तरह से। मेरे लिए तो यही है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये लोग आते हैं उस तरह से, और मैं उनको कितना बेस्ट कर सकता हूँ उनके लिए। बट ये जो सिंगर्स हैं ना, इनमें इतनी लगन है, इतनी मेहनत है कि रात रात जाग के उन्होंने इतना काम किया है कि रियली रियली प्राउड ऑफ देम। और जो भी यहाँ पर जितने भी 18 लोग हैं, जो भी आए हैं या जितने भी थे, कोई हार नहीं मान सकता, उन लोग को अपने करियर में आगे ही आगे जाना है। और ये C2B का सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको इनकरेज कर रहे हैं जाने के लिए, और 100% इनमें से कई होंगे जो मुझे ऑलवेज दिखेंगे, जब भी मैं फिल्में बनाऊंगा मैं उनके पास जाऊंगा, और मैं ये चाहता हूं कि उन लोग मुझसे कहें कि सर आप वेट कीजिए, आपके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये हो, एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट C2B कैन गिव एवरीबॉडी। आई होप कि ऐसा ही होगा। यस, थैंक यू सो मच गाइस।